तमाम मवालियान हैदर करार को साकिब जाफरी की तरफ से अस्सलामुअलैकुम तोहफ़ा या अली मदद बख्शा। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जैसे मेंबर पे आप हौसला अफजाई करते हैं, आपसे हौसला अफजाई की उम्मीद है। और तमाम हजरात से गुजारिश यही है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस हालात में घरों में बैठ के आप बेहतर अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सुन भी सकते हैं और अपनी आकबत का ज़रिया भी बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। चूँकि मेरा पसंदीदा मौजू शहज़ादा अली असगर है, तो मैंने बहुत लिखा मासूम पे। एक सलाम आपकी नज़र कर रहा हूँ, लेकिन उस सलाम से पहले मैं चाह रहा हूँ उसका जिक्र करूँ जो असगर की भी माँ है, जिसको बीबी उम्मे रबाब कहते हैं। फलक पे जिसको वफा की किताब कहते हैं, फलक पे जिसको वफा की किताब कहते हैं, जमीन पे उसको ही उम्मे रबाब कहते हैं, जमीन पे उसको ही उम्मे रबाब कहते हैं। बीबी बनी है उसकी तो जौजा, अदन की शहजादी किसकी जिसे रसूल भी आली जनाब कहते हैं। बनी है उसकी तो जौजा आदम की शहजादी जिसे रसूल भी आली जनाब कहते हैं, जिसे रसूल भी आली जनाब कहते हैं। और बीबी तेरे पिसर की हंसी का है मौजजा, बीबी तेरे पिसर की हंसी का है मौजजा, बीबी जमाने वाले जिसे इनकलाब कहते हैं। और असल शेरे जमाने वाले जिसे इनकलाब कहते हैं। अगरचे अकबर और कासिम बड़े हैं असगर से, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो ज़रा अच्छी तरह समझेंगे। अगरचे अकबर और कासिम बड़े हैं असगर से, ये माहताब उसे आफताब कहते हैं। अगरचे अकबर और कासिम बड़े हैं असगर से, ये माहताब उसे आफताब कहते हैं। और बीबी कितनी अजीम है तू, ये माहताब उसे आफताब कहते हैं। बीबी तेरी फजीलत में इतना काफ़ी है, रबाब तेरी फजीलत में इतना काफ़ी है कि तुझको बाबुल हवाइज का बाब कहते हैं। रबाब तेरी फजीलत में इतना काफ़ी है कि तुझको बाबुल हवाइज का बाब कहते हैं। मिले हैं जितने भी साकिब को अहले कल्बो नज़र, रबाब तुझको ही तेरा जवाब कहते हैं। मिले हैं जितने ही साकिब को अहले कल्बो नज़र, रबाब तुझको ही तेरा जवाब कहते हैं। बीबी रबाब तेरी फजीलत में इतना काफ़ी है कि तुझको बाबुल हवाइज का बाब कहते हैं, कि तुझको बाबुल हवाइज का बाब कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलाम पाक बीबी उम्मे रबाब की नज़र कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। वो अपनी गोद में दी का नसाब पालती है, कौन है रबाब? वो अपनी गोद में दी का नसाब पालती है, वो बचपने में अली का शबाब पालती है, वो अपनी गोद में दी का नसाब पालती है, वो बचपने में अली का शबाब पालती है। मकाम देख के बिनते असद का उम्मे रबाब, वो अपना लाल भी बहरे सवाब पालती है। मकाम देख के बिनते असद का उम्मे रबाब, वो अपना लाल भी बहरे सवाब पालती है। सना की नोक पे चढ़ के बताया असगर ने, रबाब पाले जिसे कामयाब पालती है। सना की नोक पे चढ़ के बताया असगर ने, रबाब पाले जिसे कामयाब पालती है। और अमीर कासिम व अकबर हो औन के असगर, अमीर कासिम व अकबर हो औन के असगर, वो बेमिसाल सभी लाजवाब पालती है। अली वली की बहू का ये मौजजा देखो, शेर सुनना। अली वली की
बहू का ये मौजजा देखो, वो महताब के घर आफताब पालती है। अली वली की बहू का ये मौजजा देखो, वो महताब के घर आफताब पालती है। वो इन्ना माँ के सहन में किसा के साए तले, वो इन्ना माँ के सहन में किसा के साए तले, वो करबला का हसी इंतखाब पालती है। और शेर काबिले गौर है, बुझा सके न कभी उसको प्यास की हिद्दत, बुझा सके न कभी उसको प्यास की हिद्दत, इसीलिए तो वो बेटा बेआब पालती है, इसीलिए तो वो बेटा बेआब पालती है। शेर काबिले गौर है, जरा गौर समात फरमाइएगा। नवाब की है बहू, नवाब की है बहू, वो नवाब की बेटी, नवाब की है बहू, वो नवाब की बेटी, नवाब की है वो जौजा नवाब पालती है, नवाब की है वो जौजा नवाब पालती है। जो प्यास में भी निगाहें फरात कर डाले, जो प्यास में भी निगाहें फरात कर डाले, वो तशनगी का रिसालत मुआब पालती है। जो प्यास में भी निगाहें फरात कर डाले, वो तशनगी का रिसालत मुआब पालती है। बदल के रख दे जो मैयार जंग करबल में, वो हुरमलों के लिए इनकलाब पालती है। उड़ेंगे अब वो फजाओं में खौफ से साकिब, वो करगसों के लिए एक उकाब पालती है। नवाब की वो बहू है नवाब की बेटी, नवाब की है वो जौजा नवाब पालती है। वो अपनी गोद में दी का नसाब पालती है, वो बचपने में अली का शबाब पालती है। सलवात बाबा जबल।